मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मेडिकल कॉलेज में MBBS प्रथम ईयर की 19 वर्षीय छात्रा संजना आर्य शुक्रवार को कानपुर सेंट्रल स्टेशन के पास प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रोते हुई मिली। RPF की पूछताछ में उसने बताया कि वह रीवा में बाजार से ऑटो में बैठकर मेडिकल कॉलेज जा रही थी, जिसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। उसे ये भी नहीं पता कि वो कानपुर कैसे पहुंची। मामला संदिग्ध होने पर RPF ने युवती के घर वालों को सूचना दी है। मूल रूप से युवती राजस्थान के सवाई माधोपुर गंगापुर की रहने वाली है। शुक्रवार दोपहर लगभग 2:15 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सवाई माधोपुर गंगापुर राजस्थान की संजना आर्य को रोते हुए RPF के सिपाहियों ने देखा। महिला कांस्टेबल और दारोगा संजना को थाने लेकर गए, जहां युवती ने बताया कि बुधवार को वो कॉलेज से बाजार गई थी। ऑटो से वापस मेडिकल कॉलेज रीवा जा रही थी, तभी कुछ हुआ। उसकी बातचीत भी संदिग्ध लग रही है। वो ये भी बोल रही है कि किसी ने उसे कुछ खिलाया, लेकिन उसे ये याद नहीं कि उसके साथ कौन था। हालांकि युवती का सारा सामान और मोबाइल भी सुरक्षित है, और ऐसे में मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड आफ्टरनून 24 न्यूज़।